नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में 11 साल की मासूम बच्ची के साथ 65 साल के बुजुर्ग ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची घर के पास मोमोस लेने गई थी। रास्ते में बुजुर्ग दुकानदार ने चॉकलेट का लालच देकर एक गोदाम में ले गए, जहाँ उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर दुष्कर्म किया। इसी दौरान बच्ची के माता पिता उसे तलाशते हुए गोदाम तक पहुंचे, लेकिन आरोपी ने बच्ची को गोदाम में बंधक बनाकर छुपा दिया। घटना के बाद बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंची और माता पिता को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिजन बच्ची को थाने लेकर पहुंचे और शिकायत की। वहीं पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बीती रात को एक फरियादिया के द्वारा रिपोर्ट की गई है कि उसके बच्ची, जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास है, पास में एक दुकान करने वाले व्यक्ति ने, जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास है, उसके द्वारा उसको ले जा करके और उसके साथ गलत हरकत की गई है। इस पर से थाना माधवगंज में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया कि बंधक बना के रखा था या माता पिता को? नहीं, बंधक बना के नहीं रखा है उसको, मतलब ले गया था सुनसान स्थान पे, अपने साथ ले जाने के कारण उसमें वो भी धारा लगाई गई है।